बार फिर कोरोना के बारे में लोगों को जानकारी देना, स्पेशली मैं अपने स्टाफ को और क्लिनिक में आते हुए मरीजों के लिए। कोरोना सबको होना है एक ना एक दिन, ये मेरा मानना है, बहुत लोगों का भी यही मानना है। तो हमको करना क्या है, हम लोगों को अटमोस्ट प्रिकॉशन में तब भी रहना है। क्यों? क्योंकि हमको कोरोना का पावर कम चाहिए, पावर। बार बार हाथ धोने का मतलब क्या है, मैं अभी माइक पकड़ी, मान लीजिए इसमें कोरोना था, मेरे को 10 पॉइंट कोरोना आया, उसके बाद मैं पेपर छुई, उसमें कोरोना था, 20 पॉइंट हो गया, कुर्सी छुई 30 पॉइंट हो गया, टेबल छुई 40 पॉइंट हो गया, मेरा आधा घंटा निकल गया, मेरा हाथ धोने का टाइम हो गया, हम अपना हाथ धो लिए, तो मैं अपने 30 पॉइंट कोरोना को वापस शून्य पे कर दी। फिर उसके बाद मैं अपना काम की कोशिश की कि हर जगह जो मैं छू रही हूँ वो कोरोना फ्री हो, पर तब भी मान के चलिए जहाँ मैं छू रही हूँ वहाँ कोरोना है, हम फिर अपना हाथ धोए, तो मैं अपने फिर 40 पॉइंट 60 पॉइंट को शून्य करी। अगर ये बार बार हाथ धोना और सैनिटाइज करने का प्रक्रिया नहीं किया जाएगा तो कोरोना 0 पॉइंट से 1000 2000 5000 पॉइंट आपके हाथ में होगा, जो तब अगर आपको इन्फेक्ट करेगा तो बहुत ज्यादा पावर में, बहुत ज्यादा वॉल्यूम में वायरस आपके शरीर में घुसेगा और आपका शरीर उससे लड़ नहीं पाएगा, तब वो आपके लिए जानलेवा होगा। मास्क के थ्रू भी कोरोना जा सकता है, पर अगेन मास्क क्या कर रहा है, उसके वॉल्यूम को कंट्रोल कर रहा है कि अगर मास्क के बावजूद भी कोरोना जाए तो बहुत ही कम मात्रा में जाए, ये मात्रा का खेल है। तो इसलिए मास्क पहनना है, हाथ बार बार सैनिटाइज और धोने का बस यही मतलब है, बार बार हाथ धोने का यही मतलब है। रूम में एसी नहीं प्रयोग करें, गर्मी में रहें, गर्मी में रहना बेहतर है बनिस्पत ये कि हम रहें ही नहीं, खिड़कियां खोल के रहें ताकि वातावरण में जाए, अपने रूम्स को हर रोज रात को फ्यूमिगेट करें ताकि वॉल्यूम कोरोना जितना है उसको शून्य करिए, फिर वो बढ़ेगा, फिर शून्य करिए, फिर बढ़ेगा, फिर शून्य करिए, उसको बढ़ते 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 राक्षस मत बनने दीजिए। बस आई होप कि ये बहुत सरल तरीके से हम समझाए हैं और सब इंसान इस चीज को समझ गए हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।